कि इस शहर का विधायक कौन है, इस बीना विधानसभा का विधायक कौन है। आपका विधायक है, आप नगर पालिका अध्यक्ष में बैठी है, अब आप और आप विधायक गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब आपके शहर सागर में भी राजपूताना एम्पोरियम, जहां आपको मिलेगी राजस्थानी साड़ियां, लहंगा, सलवार सूट एवं राजपूती पोशाक की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, कैंट शॉपिंग मॉल एडिडास शोरूम के बाजू से सिविल लाइन सागर। सागर जिले के बीना में बीते दो दिन पहले कांग्रेस नेता के द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष को लेकर कहे गए बेहद ही अश्लील शब्दों के बाद जहां नगर पालिका अध्यक्ष ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाकर कांग्रेस नेता पर मामला दर्ज कराया था, तो वहीं आज ब्लॉक कांग्रेस ने थाने का घेराव कर उन पर झूठा मामला दर्ज करने और उसे खत्म करने की बात कही है। दरअसल बीते दो दिन पहले कांग्रेस नेता राजा माधव ने भरे मंच से नगर पालिका अध्यक्ष को बेहद ही अश्लील भाषा का प्रयोग कर उन्हें विधायक की जुगाड़ कह दिया था, जिसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जाकर इन शब्दों का विरोध कर उन पर मामला दर्ज करने की बात कही है। मामला दर्ज होने के बाद ब्लॉक कांग्रेस ने आज थाने का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। उनका आरोप है कि कांग्रेस नेता राजा माधव पर झूठा मामला किया गया है, जिस पर राजनीतिक दबाव होना बताया जा रहा है। उन्होंने इस मामले को खत्म करने की बात कही है। फिलहाल कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद अब राजनीतिक घटनाक्रम में उठा पटक तेज हो गई है। उसी दौरान हमारे कार्यकर्ता राजा माधव जी ने अपनी बात रखी और बात रखने के दौरान उनका आशय मूल यह था कि विधायक जी जिस तरह से पिछले दिनों कुछ कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी बात उन्होंने कही कि अस्पताल कैयासी का अड्डा है या कुछ और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के बारे में उन्होंने एक जुगाड़ शब्द का उपयोग किया, तो वो उसी को कह रहे थे। उनका आशय किसी को किसी की मानहानि का या किसी प्रकार से उनकी संवेदनाओं को चोट पहुंचाने का नहीं था। वो तो एक तर्क संगत बात रख रहे थे। जो शब्दों का भी उन्होंने उच्चारण किया वो शब्द पूर्व में विधायक जी द्वारा उच्चारित किए जा चुके। उनका कहने का मूल आशा यही था, उनका किसी भी प्रकार से किसी की मान हानि का नहीं था, लेकिन चूंकि उनकी सत्ता है इसलिए उन्होंने हमारे कार्यकर्ता के ऊपर एक झूठा केस लगवा दिया, जबकि उस पर कोई केस बनता नहीं। वो थोड़ी शब्दों में वो हो सकती है, ऐसे तो एक बार मोदी जी ने कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, तो कभी कभी हो जाता है टंग स्लिप, लेकिन उसका आशय बिल्कुल भी नहीं था। वो इसके दौरान सीधा विधायक जी के जो शब्द थे या जो उन्होंने इसके पहले जो भी कथन कहे थे उसकी बात कह रहा था। आगामी मांग यह है कि चूंकि केस झूठा है उसका आशय किसी की मानहानि करने का या चोट पहुंचाने का नहीं था भावनाओं को, तो वो केस निरस्त किया जाए और उसे समाप्त किया जाए। पुष्पेंद्र सिंह राजपूत, सागर एक्सप्रेस न्यूज, बीना। सन 2002 से आपकी सेवा में श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, कुशल कारीगरी एवं शुद्धता की गारंटी के साथ। पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश।